हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैं फ्रंट साइड का गला बना रही हूँ ड्रेस का। अब ये मैंने हाफ में कट लगा लिया है। अब मैं इसके सेंटर में ये मैंने गले का जितना भी मेरी लेंथ लेनी है उस पे निशान लगा लिया है। ये मैं आगे थोड़ा सा बॉर्डर वाला सूट सिल रही हूँ, इसलिए बॉर्डर देना चाह रही हूँ गले पे। ये हमें गला इतना चाहिए, इधर मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं पूरा सेंटर कर लूंगी, जिससे कि मेरा जो मैं गले का डिजाइन बना रही हूँ वो मेरा पूरा सेंटर के अंदर ही आए, या तिरछा टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना हो। ये देखिए, इसलिए मैंने स्केल से निशान लगा लिया। जितना भी मुझे लंबा चाहिए उतना मैं नीचे लंबा बॉर्डर का डिजाइन दे सकती हूँ। सबसे पहले हमें गला लगाना होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें बॉर्डर लगानी होगी फ्रेंड्स, सॉरी, पहले हमें बॉर्डर लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, जहां पर मेरा निशान है वहां पे मुझे बॉर्डर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, जहां पे मुझे निशान लगाई हूँ उससे थोड़ा सा ऊपर मुझे बॉर्डर देनी है, इसलिए मैं पहले एक बॉर्डर को ज्वाइंट कर लेती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर से लगाते हुए मैं जितनी मेरी लेंथ है वो मेरा निशान लगा हुआ है। अब मुझे लेंथ से ऊपर से थोड़ा सा, जिससे कि मेरा गला आ जाए, मैं बॉर्डर लगा लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। ये वाला डिजाइन मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इससे ज्यादा चौड़ा हो जाएगा और डिजाइन इतना अच्छा भी नहीं बनेगा, इसलिए मैं वो नीचे कर फोल्ड कर दे रही हूँ। और ये सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिखा करके सिलाई लगा लूंगी फ्रेंड्स। बराबर आना चाहिए, इसलिए आपको नाप नाप के बनाना पड़ेगा। ब्लैक कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, कम से कम 7-8 इंची के करीब हमारी बॉर्डर आ जानी चाहिए। जितना हमारा कमर पे निशान है फ्रेंड्स, कमर के हिसाब से आना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा यहाँ निशान था, मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। फिर मैं इसको कपड़े को कट कर दूंगी इस तरीके से और इसका कोना बना दूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए ऐसे, और इसको ऐसे, ये हम बाद में भी कर सकते हैं जब मैं दूसरी सिलाई डालूंगी। पहले मैं दूसरे साइड का दूसरी साइड का बॉर्डर लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, इसी तरीके से इसको भी अंदर मोड़ते हुए, ऐसे दोनों ब्लैक कलर के कपड़े बराबर होने चाहिए। ये देखिए, अब मैं सिलाई डाल दूंगी। आप चाहें तो इसको बीच में छोड़ भी सकते हैं ये डिजाइन दिखाने के लिए, मगर वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए किसी किसी में एक ही कलर का होने से वो अच्छा लगता है। आप चाहें तो बीच में उसकी एक पाइपिंग टाइप छोड़ सकते हैं बीच वाले, ये इस वाले ड्रेस के कपड़े की, और चाहें तो नहीं, इसमें ये जमेगा नहीं, इसलिए मैं नहीं निकालूंगी। ये सिर्फ ब्लैक कलर के कपड़े को ही दिखाऊंगी फ्रेंड्स। आप जैसे मैंने छोटे बच्चे का एक ड्रेस किया था रेडी, उसी तरीके से बना रही हूँ फ्रेंड्स। ये भी उसी प्रकार से बनाना है। इतना हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। और अब हम साइड की सिलाई को सिलेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, साइड में भी हमको एक ही इक्वल ही करके मोड़ना है फ्रेंड्स। ये देखिए, वैसे
एकदम बराबर बराबर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें तिरछा मोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से तिरछा मोड़ के एक लिट्टी सी बना लेनी है इस तरीके से। ये देखिए इसको भी मुझे इसी तरीके से ऐसे तिरछा मोड़ना होगा ऐसे। ये देखिए जितना वो मोड़ा है उसी उसी के अनुसार इसको मोड़ना है, बराबर आना चाहिए, और साइड वाला भी एकदम बराबर आना चाहिए। ये देखिए आप चाहें तो पहले ही नाप कर सकते हैं, नहीं तो ये देखिए फ्रेंड्स इसको भी ऐसे ही बराबर फोल्ड कर लेना है। मैंने ये कोना बना लिया है। ये देखिए मेरा कोना कितने अच्छे से बन के आया है। आप चाहें तो इस तरीके से, नहीं तो स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ऐसे लगाने से थोड़ा सुंदर लगता है। कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, दोनों कपड़े बराबर आने चाहिए, नहीं तो हमारा बीच सेंटर में कपड़ा खिंचाव आने का चांस रहता है फ्रेंड्स। ये देखिए ये मेरा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स ये पट्टी लग चुकी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सेंटर में लगी है। ये देखिए अभी हम प्रेस लगाएंगे तो एकदम बराबर आ जाएगी। अभी हम इस पे गला लगाते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमने इधर कट लगाया है उसी प्रकार से गले में भी कट लगा लेंगे। जैसे मैं हर गला बनाती हूँ उसी तरीके से बना रही हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखते जाइए। ये मेरा गला बन के रेडी हो गया है। अभी मुझे इसके ऊपर किनारे वाली सिलाई लगानी है, वो मैं लगाती हूँ। ये मैंने पीछे बीच की कटिंग नहीं दिखाई क्योंकि सेम ही है। मैं बैक साइड में गोल गले की वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने नहीं दिखाई है फ्रेंड्स। अभी देखिए इस पर आप हम सिलाई डाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा गोल गला बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए ये मेरी पट्टी लगी है। ये जब मैं पूरा ड्रेस रेडी हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए ये मेरी पट्टी इस तरीके से लगी है। मेरी पट्टी पूरी नहीं आ रही है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। दोनों शोल्डर ज्वाइंट करेंगे फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा बॉर्डर वाला सूट बन के रेडी हो गया है। ये मैंने गले के बीच में बना लगाया है जो कि मैंने वीडियो में डाला भी है। और ये मैंने छोटी सी बॉर्डर, ये देखिए छोटी सी बॉर्डर है, वो मैंने बाजू में लगाई है छोटी करके कट करके। और ये देखिए ये मैंने नीचे घेरे पे बड़ी वाली चौड़ी बॉर्डर लगाई है और इधर भी मैंने छोटी वाली लगाई है। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने एक दो बार ये ड्रेस पहले भी सिला है जो कि बॉर्डर वाला है। थैंक यू।